गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंबानी आर्ट। तो देखते हैं लंबानी आर्ट जो है ये न्यूज़ में क्यों आया है। तो जो थर्ड G20 की कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई उसमें हम्पी एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ पे ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट हो रही थी। वहीं पे एक हिस्टोरिकल मोमेंट जो है वो विटनेस किया गया है जिसमें कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है, एस्टेब्लिश हुआ है फॉर द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम्स। कि लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है किसी एक इवेंट में जो है वो बनाया गया है। तो इसका टाइटल जो है वो था थ्रेड्स फॉर यूनिटी। ये अचीवमेंट जो है ये शोकेस करती है द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ओवर 450 लंबानी विमेन आर्टिजन्स एंड कल्चरल प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम द नोमैडिक लंबानी कम्युनिटी इन कर्नाटका। तो यहाँ पे जो है 450 लंबानी विमेन आर्टिजन्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया थर्ड मीटिंग ऑफ कल्चर वर्क ग्रुपिंग में। By supporting Lambani artisans, this initiative contribute to the economic independence of women. तो ये जो है women जो है उनको economic independence जो है वो प्रदान करती है और उसी के साथ साथ it aligns with the third priority of CWG. तो cultural working group जो है उसकी चार priorities है, उनमें से third priority क्या है वो है promotion of cultural and creative industry and creative economy. कि culture को promote करके creative industry और creative economy जो है उसको create जो है वो करना है। तो ये थर्ड जो है वो प्रायोरिटी है CWG की। CWG क्या है आपका, कल्चरल वर्किंग ग्रुप। तो उसकी चार टोटल जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, वो चारों सेक्टर्स जो है वो लास्ट की स्लाइड जो है उसमें हम देखेंगे। अब लंबानी आर्ट क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। लंबानी आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल एम्बेलिशमेंट प्रैक्टिस बाय लंबानी और बंजारा कम्युनिटी। तो बंजारा कम्युनिटी जो है कर्नाटका की, वहां पे जो है ये लंबानी आर्ट जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है। ये एक नोमैडिक ग्रुप है जो कि सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है वो वहां पे पाया जाता है, लेकिन स्पेशली ये जो है कर्नाटका जो है वहां पे इसकी पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा है। इसमें जो कलरफुल थ्रेड्स जो होते हैं या मिरर जो होते हैं या फिर जो एरे ऑफ स्टिच पैटर्न्स जो होते हैं उनको यूज किया जाता है ऑन लूजली वोवन फैब्रिक। तो जो लूजली वोवन फैब्रिक होता है उसको वहां पे ये जो है वेरियस कलरफुल थ्रेड्स हो गए, मिरर्स हो गए या रिच एरे ऑफ स्टिच पैटर्न्स हो गए उनको जो है वो बनाया जाता है। इसमें वेरियस जो पैचेस जो होते हैं वो भी लगाए जाते हैं, मतलब अलग अलग कपड़े के पैचेस जो है एक कपड़े के ऊपर जो है वो लगाए जाते हैं। इट इन्वॉल्व स्किलफुल स्टिचिंग टुगेदर स्मॉल पीसेज ऑफ डिस्कार्डेड फैब्रिक टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल पैचवर्क। तो एक ब्यूटीफुल सुंदर सा पैचवर्क जो है वो यहाँ पे बनाया जाता है। मैं उसकी फोटो भी जो है वो आपको दिखाऊंगा। आगे देखते हैं लंबानी आर्ट के बारे में। इट रिकॉग्नाइज अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रीसाइकल एंड रीयूज। तो रीसाइकल और रीयूज के प्रिंसिपल के ऊपर जो है ये काम करता है। जब आप फोटोग्राफ जो है ये मैं दिखाई देता हूं आपको, ये देखो ये इस तरीके का कपड़ा होता है, उस पर ये देखो आप थ्रेडवर्क जो है वो आप देख सकते हो, अलग अलग पैटर्न जो है वो इससे जो है ये बनाए गए हैं। और ये देखो यहाँ पे शीशा जो है, ग्लास जो है वो लगाया हुआ है और ये अलग अलग पैचेस जो है ये देखो, ये पैच जो है एक पैच ये देखो यहाँ पे लगाया हुआ है उन्होंने। तो ऐसे वेरियस पैचेस जो है ये इस तरीके से जो है ये यूज किए जाते हैं। यहीं पे अलग अलग पैटर्न से थ्रेडवर्क जो है वो किया जाता है किसी एक फैब्रिक के ऊपर जो कि लूजली वूवन होता है। वापिस आते हैं। द लंबानी एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स एंड एस्थेटिक बियर सिमिलैरिटीज विद टेक्सटाइल ट्रेडिशन इन ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया एंड सेंट्रल एशिया, शोकेसिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल टेक्सटाइल आर्ट। तो ऐसी ही जो टेक्सटाइल ट्रेडिशंस जो है वो वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया जो है वहां पे भी ये यूज होती है। उसी के अलावा सांदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लंबानी आर्ट फ्रॉम द संदूर रीजन ऑफ कर्नाटका, रिसीव द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन 2010। तो 2010 में संदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी जो है उसको GI टैग जो है वो मिला था। तो ये हम देख चुके हैं इस तरीके का आपका लंबानी आर्ट जो है इस तरीके का होता है। तो इसमें 450 से ज्यादा वुमेन आर्टिजन जो है या उन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट जो है वो किया था। नेक्स्ट आते हैं G20 का जो कल्चरल वर्किंग ग्रुप है उसके बारे में देख लेते हैं। द G20 कल्चर मिनिस्टर मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020। तो 2020 में जो है कल्चर मिनिस्टर्स जो है वो मिले थे G20 के और उन्होंने जो है ये कल्चर वर्किंग ग्रुप जो है ये स्टार्ट किया था। एंड हाईलाइटेड कल्चर्स क्रॉस कटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू एडवांसिंग G20 एजेंडा। कि कल्चर जो है वो G20 का जो एजेंडा है उसको किस तरीके से एडवांस जो है वो कर सकता है या किस तरीके से वो कॉन्ट्रीब्यूट जो है वो कर सकता है, तो उसी वजह से कल्चर वर्किंग ग्रुप जो है उसको क्रिएट किया गया था।
Recognizing its impact on various aspects of development, culture was integrated into the G20 agenda as culture working group in 2021. तो 2021 में जो कल्चर वर्किंग ग्रुप जो था उसको इंटीग्रेट कर दिया गया G20 के साथ ही, acknowledging its synergies with other policy areas. The G20 culture working group stands among the 13 thematic working groups set up by Indian presidency to frame G20 progress in 2023. तो ये जो culture working group जो है ये भी 13 ऐसे ही working groups का part है जो कि Indian presidency के तहत जो है frame किए गए हैं ताकि G20 की progress जो है वो 2023 में जो है उसको showcase जो है वो किया जा सके as a part of Sherpa track. नेक्स्ट आते हैं जो इसके प्रायोरिटी एरियाज हैं, जिसमें जो थर्ड जो था वो हमने डिस्कस कर लिया था. तो और कौन कौन से उसके प्रायोरिटी एरियाज हैं, चार उसके टोटल प्रायोरिटी एरियाज हैं कल्चर वर्किंग ग्रुप के. तो पहला है प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी. तो जो कल्चर प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करना है. उसके अलावा हार्नेसिंग लिविंग हेरिटेज फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर. थर्ड है प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड क्रिएटिव इकोनॉमी. और फोर्थ है आपका लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर. तो इसमें जो प्रोटेक्शन और प्रमोशन जो है कल्चर की वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है वो की जाती है. इसमें लोगों को जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से उनको जागरूक जो है वो किया जाता है, उनको एजुकेट जो है वो किया जाता है और बताया जाता है कि कल्चर जो है उनकी लाइफ के लिए या उनकी सोसाइटी के लिए जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो लंबनी आर्ट के बारे में थी. इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहां पे भी इसके नोट्स जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे. उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.